वैसे तो आजकल स्वीट कॉर्न 12 महीने मिलता है, लेकिन बारिश के सीजन में इसको खाने का मजा ही अलग है। तो आज इसी को एंजॉय करने के लिए मैं बना रही हूँ स्वीट कॉर्न सूप और कॉर्न चीज टोस्ट। वेलकम टू डिलाइटफुली देसी। आइए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। यहाँ एक गर्म पैन में मैंने डाला 1 चम्मच बटर। अब ये बटर को थोड़ा पिघलने के बाद में इसमें डाल देंगे 2 कप स्वीट कॉर्न। अब ये स्वीट कॉर्न को हम थोड़ा सौते करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए ढककर हल्का सा पकने देंगे। 2 मिनट बाद इसको चेक करते हैं। स्वीट कॉर्न को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इस तरीके से हल्का सा सौते कर लेना है। अब इसमें से 1 कप वापस निकाल लेते हैं, ये हमें चीज़ टोस्ट बनाने के काम आएगा। बाकी के स्वीट कॉर्न में हम 2 ग्लास पानी डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढक के बॉयल आने तक कुक करेंगे। बॉयल आने के बाद में इसमें हम मसाले डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल देते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च, और यहाँ पर मैंने कॉर्न स्टार्च की स्लरी बना के रखी है, इसे पानी में घोल लिया है, बस इसको मिला देंगे इसमें। इसको मिलाते समय ध्यान रखना है कि बराबर चलाते रहना है, अगर चलाएंगे नहीं तो ये स्लरी नीचे लग जाएगी और लम्स भी पड़ सकते हैं इसमें। अब इसमें मिला देंगे थोड़ा सा विनेगर। विनेगर आप अपने स्वाद के अनुसार मिलाइए, विनेगर नहीं है तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। अब इसको बॉईल कर लीजिए अच्छे से। बस इसमें बॉईल आ गया, अब गैस बंद करके इसको ढक के रख देते हैं। अब बनाते हैं चीज़ टोस्ट। तो इसके लिए यहाँ मैंने वाइट ब्रेड ले ली है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। अब ब्रेड स्लाइस पर लगा देते हैं पिघला हुआ बटर। एक साइड पर ही लगा रहे हैं हम ये बटर, दूसरी साइड पर हम सेकते समय लगाएंगे। अब इसमें डाल रहे हैं थोड़ा बारीक कटा हुआ प्याज। बस हल्की सी लेयर लगानी है। अब इसमें डाल रहे हैं शिमला मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े। अब इसमें डालेंगे जो हमने स्वीट कॉर्न सौते किया था वो वाला स्वीट कॉर्न डाल देते हैं। अच्छे से पूरी ब्रेड पे फैला देंगे, क्योंकि ये क्रंची क्रंची कॉर्न इस रेसिपी में बहुत अच्छा लगता है। अब इस पे थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऊपर से ऐसे बुरक देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं। मसाले देखिए आप अपने स्वाद के अनुसार कोई भी डाल सकते हैं। अगर आप मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा मिर्च डाल दीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। अब इस पे चीज़ ग्रेट करके डाल देंगे। चीज़ तो सबको पसंद होती है, अगर आप चीज़ नहीं खाते हैं तो चीज़ को स्किप कर दीजिए। अब इसको एक गरम तवे पे हम मक्खन डाल के सेकेंगे। यहाँ मैंने मक्खन डाल दिया, एक एक स्लाइस को एक बार में सेक लेंगे। इसको थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि चीज़ पिघल जाए, नीचे से ये क्रिस्पी हो जाएगा एकदम और ऊपर से चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। सेम प्रोसेस से हमें जितने भी टोस्ट चाहिए उतने बना लेंगे। ये देखिए चीज़ मेल्ट हो गई है, इसको निकाल लेते हैं। अब सर्व करते हैं सूप गर्मा गर्म। ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च और हरा धनिया और इसको चीज़ टोस्ट के साथ में एंजॉय करते हैं। तो देखा आपने कितनी आसान रेसिपी थी, इसको घर के बच्चे भी आसानी से बना सकते हैं और स्वाद ऐसा कि लगेगा कि बाहर से ऑर्डर करके मंगाया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।